class, welcome to the product science classes, and today we will discuss about the class 10th biology chapter genetics. You know what is genetics? Genetics क्या होते हैं? जैसे ही हम लोगों के घर में कोई बेबी बॉर्न होता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो लोग उसको क्या करने लगते हैं? उसके पेरेंट्स से, उसके ग्रैंड पेरेंट्स से कंपेयर करने लगते हैं ना? ये he or she जो भी होता है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय है, तो वो किससे मिलता है ना? तो ये कंपैरिजन होता है कि वो मम्मा से मिल रहा है, वो फादर से मिल रहा है, या दादी के आंखें जैसी हैं और नाक कैसी है ना, नोज कैसी है, ईयर्स कैसे हैं, उसके चाल मतलब हाव भाव कैसे हैं, ये सारी चीजें उसकी कंपेयर होने लगती हैं, ठीक है? तो जो कंपैरिजन होता है चाइल्ड का, तो ये बताता है कि वो किसके जीन्स हैं, वो उसके मदर फादर के ही जीन्स हैं, ये नानी का है, ये नाना का है, तो ये सब चीजें जब कंपेयर होती हैं बेबी की, तो वो हमें कहाँ से पता चलती हैं? वो जीन से ही आती हैं बेबी के अंदर, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि बेबी की आईज उसके फादर से मिल रही है, उसका ये टेक्सचर जो है फेस टेक्सचर वो मदर से मिल रहा है, तो ये सब चीजें उसे कहाँ से मिलती हैं बेबी को? मदर फादर के जीन से, जेनेटिक इसी को कहते हैं, ठीक है? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता है, ठीक है? मेंडल ने इसी चीज को बताया है और इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जानते हैं कि हमारे बेबी के अंदर कौन से पेरेंट के कैसे उसके अंदर जीन्स आए हुए हैं। देन टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज जेनेटिक्स, ठीक है? तो जेनेटिक्स क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो मेरे अंदर जो भी जीन्स आए हैं मेरे मदर फादर के हैं, मदर फादर में फादर के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स के हैं और मदर के अंदर मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के हैं, तो ये आपका ना क्या है कि वंश चलता रहता है। ये जो जीन्स आते हैं ये पीछे के वंशज से आते हैं, है ना? तो वंश तो आगे बढ़ता है, ठीक है, बट जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनसे हमें जीन्स आगे की तरफ लेके आता है, ठीक है? तो यही हेरिडिटी होती है ना। कई लोगों ने, आप लोगों ने बात सुनी होगी, कहते हैं कि थायराइड तो उनकी मदर को भी है, उनकी फैमिली में सबको चश्मा लग रखा है, उनकी फैमिली में शुगर हो रखी है सबको, तो ये जरूरी नहीं है कि फैमिली में अगर मदर फादर को किसी को है ये चीजें तो उनके पेरेंट्स में मतलब सॉरी उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी हो। दैट इज नॉट कंपल्शन। हाँ, अगर मान लीजिए मदर फादर को डायबिटिक है, ठीक है, डायबिटिक है, शुगर पेशेंट है, तो हो सकता है कि उनके अगर मान लीजिए फोर बेबीज हैं, फोर चाइल्ड्स हैं, तो उनमें किसी एक दो को हो सकता है, हो सकता है चारों को हो जाए, उसके जीन्स उनके अंदर आए हों, हो सकता है किसी को भी ना हो सकता है उनमें से किसी एक को हो सकता है उनमें से किसी दो को हो, ठीक है? तो ये जीन्स होते हैं जो आते हैं, कई बार नहीं भी होता है, कई बार होता भी है, ठीक है? बट जो हमारा फेस टेक्सचर है, हमारी आईज है, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें जीन्स में फिक्स होती हैं कि कुछ ना कुछ आता ही आता है। तो यही हेरिडिटी होती है। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स। मतलब ये होता है कि जो बॉडी फीचर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं किससे? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से उनके बच्चों में आना बॉडी फीचर हमारा ट्रांसमिट होता है, एंड द लॉ रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन। और इसी से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जो ट्रांसमिशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ट्रांसमिशन मतलब होता है एक से दूसरे में जाना, ट्रांसमिट होना, ठीक है? तो ये ट्रांसमिशन कहलाता है। इसके हमारे फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है? जेनेटिक्स के जो फादर हैं, फादर ऑफ द जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स फादर, दैट्स कॉल्ड द ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल एक पीजन फैमिली के हैं, बहुत ही सीधी फैमिली के थे, इनका पढ़ने में बहुत, ये चाहते थे कि ये टीचर बन जाए, ठीक है? ये चाहते थे कि टीचर बन जाए, इनका साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छा मन लगता था, ठीक? इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से पढ़ाई की साइंस और मैथ्स की, वो चाहते थे कि टीचर बन जाए, लेकिन क्या हुआ, वो टीचर का जो अनलकी जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए,
उनको टीचर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो उनके फादर का गार्डन है पीस का, उसको वो ज्वाइन करेंगे। जब उन्होंने उसको ज्वाइन किया, मटर के खेतों को, पी के गार्डन को, तो उन्होंने वहां पे क्या किया, ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्होंने साइंस और मैथ्स अच्छे से पढ़ी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेना से, तो जब उन्होंने उसकी पढ़ाई की थी तो वो क्या चाहते थे भाई, जब आप उस चीज में अंदर घुसे हुए हो, ठीक है, पढ़ा हुआ है, तो आपको उसमें अपने आप इंटरेस्ट बनने लगता है। तो जो उन्होंने जब ज्वाइन किया उनके फादर का गार्डन, तो उन्होंने ये देखा कि नेचर के रिगार्डिंग कि जो पी के पौधे हैं, प्लांट्स हैं हमारे पीस के, उनमें देखा कि क्या हुआ, जो फीचर्स हैं पी के, किसी पी में एक फीचर आता था और किसी पी में नहीं आता था, ठीक है। तो ये उन्होंने देखा और उन्होंने जो फाइंडिंग की, इसके बारे में ढूंढा, वो क्या कहलाया उनका, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहलाया? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाया, ठीक है, कि जो इनहेरिडिटी में जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, वो मेंडल लॉ हो गया, ठीक है। अब हम आपको एक चीज इसमें और बता देते हैं, इन्होंने ये तो बताया ही बताया, लेकिन आज जो हमारे ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, अब ये टीचर्स के भी टीचर हैं, इन्होंने भले ही टीचर नहीं बन पाए, लेकिन इन्होंने ऐसी डिस्कवरी कर दी कि जो टीचर को हर बड़े क्लासेस में पढ़ाना ही पढ़ाना है ना, तो वो टीचर्स के टीचर बन गए। अब हम बात करते हैं, ये याद रखिएगा, इन्होंने क्या दिया है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इन्होंने जो तीन लॉ दिए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक्स के बारे में। अब हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या होती है, वो ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन हमारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। ट्रांसमिट मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होते हैं, वही हमारी हेरिडिटी कहलाती है। जैसे इन्होंने कहा, लाइक बेगर्स लाइक, मतलब जैसे माता पिता वैसे बच्चे, ठीक है, ये एक फ्रेज है, लाइक बेगर्स लाइक, ठीक है। इसका मतलब होता है दैट यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कि जो भी हमारे यंग वंस हैं वो किससे मिलेंगे, अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, तभी तो हम देख के बेबी को कहते हैं अच्छा ये उनका बच्चा है, अच्छा ये उनके परिवार का है। कहते हैं ना, जो पुराने लोग हमारे मिलते हैं किसी शादी बारात या पार्टीज में मिलते हैं, तो वो बच्चे से ही उनकी फैमिली को पहचान जाते हैं, अच्छा ये उनके परिवार का है, अच्छा ये रस्तोगीस का है, अच्छा ये श्रीवास्तव क्या का, ये पंडिताइन का बेटा है ना। तो ये सब चीजें हमारी कैसे पता चलती हैं, उनके यंग वंस से ही उनके पेरेंट्स को पहचानते हैं, जबकि यंग वंस में जो फीचर्स आते हैं वो किससे आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी हेरिडिटी। जैसे हमारी जो काऊ है, ठीक है, काऊ कभी भी फैलो तो हो नहीं जाएगा, हाँ, तो कैट काऊ प्रोड्यूसर्स काऊ नॉट अ बुफैलो, कैट प्रोड्यूसर्स कैट्स बट नॉट अ डॉग, है ना, कि कैट क्या प्रोड्यूस करती है, कैट ही तो प्रोड्यूस करेगी कि डॉग प्रोड्यूस कर देगी, नहीं ना, तो आप लोग ये क्यों कह रहे हैं डॉग, तो कैट प्रोड्यूसर्स कैट नॉट अ डॉग, काऊ प्रोड्यूसर्स काऊ नॉट अ बुफैलो। इसी तरह हम बात करें, जैसे मैंगो का सीड अगर हमने उसे सॉइल में डाला है, तो मैंगो का सीड डालने से हमको क्या मिलेगा, मैंगो ट्री ही तो मिलेगा, और मैंगो ट्री से हमें फिर से मैंगो मिलेगा, ना कि हमें उसमें एप्पल मिल जाएगा या एप्पल का ट्री निकल आएगा। तो मैंगो सीड जर्मिनेट्स द मैंगो ट्री, ओके, एंड मैन गिव बर्थ द यंग वंस, ठीक, गिव यंग वन ओनली टू ह्यूमंस एंड नॉट टू एप्स। अगर कोई ह्यूमन किसी यंग वन को बर्थ दे रहा है, तो वो बेबी ह्यूमन ही तो होगा, एप तो होगा नहीं, लंगूर या बंदर तो निकल नहीं आएगा, है ना, ह्यूमंस के अंदर से ह्यूमन ही होगा। तो यही चीज बताई है। अब जैसे मान लीजिए हमने मिल्क में कर्ड मिलाया, ठीक, कर्ड हमें जमाना है, उसे फर्मेंट करना है, तो जब हम कर्ड डालेंगे मिल्क में, तो उससे कर्ड की ही तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे, कि दूसरे बैक्टीरिया फर्मेंट हो जाएंगे, नो,
दैट्स ओनली कर्ड बैक्टीरिया. जब कर्ड डालेंगे तो कर्ड के ही बैक्टीरिया उसमें बढ़ेंगे मिल्क में. 100 ऑफ जनरेशन ईच डे, उनकी 100 से ज्यादा जनरेशन रोज उनकी बनती है. अगर हम दही डालेंगे जब वो जर्मिनेट होंगे, सॉरी फर्मेंट होंगे, तो फर्मेंट होने के बाद जब अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, नंबर्स बढ़ाएंगे बैक्टीरिया के, तभी तो वो क्या करेंगे, तेजी से दही जमा पाएंगे. ठीक है, तो ये है हमारी हेरिडिटी. ठीक है, तो इसका मतलब ये है ऑल ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. वो क्या करते हैं, अपना खुद की तरह के बेबी को या अपने खुद की यंग वंस को बॉर्न करते हैं, ना कि दूसरे को. ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है लाइक बिगेट्स लाइक. ठीक है, तो ये था हमारा लाइक बिगेट्स लाइक. बर्थ ऑफ स्प्रिंग्स जो रिप्रोडक्शन से होते हैं हमारे, वो एनिमल्स प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब प्रोड्यूस ओन काइंड एक ही तरह के होते हैं, अपने ही तरह के दिखलेंगे. लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होते हैं. क्या मतलब इसका आइडेंटिकल नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स तो अलग होंगे ना, नॉट टू बी सेम. अगर मुझे मेरी माँ से या मेरे फादर से कुछ मुझे मिला है तो कुछ मैच करेगा, नॉट ऑल थिंग्स. ठीक है, कई बार कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, होते हैं हमारे अंदर बट हमारे फादर्स और मदर में नहीं दिखते हैं, है ना. तो वो उनके अंदर आए हैं लेकिन वो जीन्स क्या होते हैं, फुल फॉर्म में नहीं फ्लैश होते हैं, वो दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं. तो ये था हमारा हेरिडिटी की बात हो गई. ठीक है, हेरिडिटी की बात हो गई. अब हम आपको एक और बताते हैं कैरेक्टर और ट्रेड्स क्या होते हैं. स्पेस यहाँ पे बता देते हैं, कैरेक्टर और ट्रेड्स क्या होते हैं. कैरेक्टर क्या होते हैं हमारे, ये इन सबके क्या है, एक तरह से वर्ड्स हैं, इनको जान लीजिए. अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो जो फीचर्स होते हैं एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म हैज क्या होता है इनके अंदर, आइडेंटिटी इनहेरिटेबल फीचर, हैज एन इनहेरिटेबल फीचर. इनहेरिटेबल फीचर मतलब कि जो हमें इनकी पहली जनरेशन से मिले हुए हैं फीचर्स, वो फीचर्स ठीक है क्या कहलाते हैं, हमारे कैरेक्टर्स कहलाते हैं. इन एनी ऑर्गेनिज्म हैज एन इनहेरिटेबल फीचर्स दैट्स कॉल्ड द कैरेक्टर. जो फीचर हमें दिखते हैं इनहेरिडिटी से, हमारे अंदर हेरिडिटी से आते हैं, जीन्स जिनके आते हैं वो कहलाते हैं कैरेक्टर. अब हम बात करते हैं ट्रेड्स की. ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है किसका, कैरेक्टर्स का. ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है हमारे कैरेक्टर्स का वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रेड्स कहलाएगा. मतलब कैरेक्टर का एक ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या कहलाएगा, हमारा ट्रेड्स कहलाएगा. ठीक है, तो ये है हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग. इसके आगे का हम जो वेरिएशन पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो आपको कोई भी आपको इश्यू है जेनेटिक चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं, बी से भी पूछ सकते हैं अगर आपने आगे पढ़ा है तो. मैंने तो अभी स्टार्टिंग की है इस चैप्टर की, आपको बी से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टेक केयर, थैंक यू क्लास.